Good morning. Good morning. तो गाइस कल हम लोग सोलन पहुंच गए थे और आकर के आराम से रेस्ट किया हमने और शाम को सैर भी की हमने और सुबह सुबह आज मॉर्निंग वॉक पे निकल चुके हैं। और हम लोग अभी, जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैं जब भी सोलन आता हूं तो बृजेश्वर महादेव टेंपल जरूर जाता हूं। हम लोग वो ऊपर बृजेश्वर महादेव टेंपल जाने वाले हैं और मॉर्निंग वॉक भी होगी, बृजेश्वर महादेव जी के दर्शन भी हो जाएंगे। वहां से जो है व्यू बहुत अच्छा है, पूरा सोलन वहां से नजर आता है, बहुत सुंदर व्यू है। हम लोग चलते हैं वहां पर और देखते हैं। ठीक है, आगे मिलते हैं। क्या बारिश के टाइम में बदल आते हैं, सर्दियों में नहीं होते। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, मैं फिलहाल हिमाचल में हूँ। क्या आप देख सकते हैं, बादल बिल्कुल नीचे आ चुके हैं और ये जो शानदार व्यू जो है, जो नज़ारा जो ले पा रहा हूँ मैं, ये कहीं ना कहीं, और ये मेरे गुरुदेव श्री मनीष कालरा भी मेरे साथ हैं। तो ये नज़ारा, ये जो इस क्लाइमेट, इस मौसम को जो मैं इंजॉय कर पा रहा हूँ ना, वो कहीं ना कहीं आरसीएम बिजनेस की वजह से ही है। क्योंकि मैं आरसीएम में नहीं होता तो मुझे वो समय फ्रीडम मिल नहीं पाती, वो मिल नहीं पाता जो मैं चाहता था। ये घूमना फिरना मेरा हो नहीं पा रहा था मेरी जॉब से। जॉब अभी भी है, ऐसा नहीं है, पर आरसीएम की वजह से जो मनी फ्रीडम मिलती है, जो टाइम फ्रीडम जो मिलता है, वो और कहीं मिलता नहीं। और ये एक बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, इतनी हाइट पे आके वीडियो बनाना, इस मौसम को, इस व्यू को इन्जॉय करना, ये बहुत प्रतीम है मेरे लिए। ऐसा आज से पहले मैंने देखा नहीं। जाने को तो मैं उत्तराखंड, हरिद्वार, ऋषिकेश भी गया हूँ, बाकी ये जो यहाँ की जो हवा है, जो ये मौसम है ना, ये
कुछ अलग है ये, ये कुछ अलग है। यहाँ का पानी इतना शानदार है, एक भी और दिखाता हूँ मैं आपको, मेरे पीछे से देखेंगे आप, देखिए कितना शानदार नज़ारा है। ओहो हो, और सुबह सुबह का समय है, हम मॉर्निंग वॉक आए थे तो काफ़ी हाइट पे चढ़ने के बाद मुझे बताया गया कि वहाँ से एक बहुत सुंदर व्यू इस शहर का आ सकता है। और आप देखेंगे यहाँ पे कैसे कैसे लोग खेती कर रहे हैं, और यहाँ खेती बहुत होती है, मुझे जानकर बड़ी हैरानी हुई कि यहाँ टमाटर बहुत उगाते हैं लोग, टमाटर और मक्का दो चीज़ें बहुत ज़्यादा उगा रहे हैं लोग बाग यहाँ पर। यानी चलो अच्छा ही है, पर मैंने सुना ये लोग सर्दियों में मक्का बहुत खाते हैं, तो अभी तो सर्दी नहीं है, बाकी कभी सर्दियों में मौका लगेगा तो आएंगे। तो मेरे दोस्तों से यही है मेरी कि आप भी कुछ ना कुछ ऐसा करें अपने जीवन में, अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करें जिससे आपको घूमने फिरने का मौका मिले, आपके सपने पूरे हों, आपके टारगेट पूरे हों। और मुझे तो आरसीएम बिजनेस ये सब कुछ दे रहा है, बाकी आप देख लें जैसा जिसको अच्छा लगे। एक्सरसाइज कर रहे हैं गुरुदेव हमारे, बहुत मज़ा आ रहा है सर। कल से जब से निकले हैं घर से, जब से यहाँ पहुँचे हैं, नाडा साहब गुरुद्वारा पहुँचे, मॉर्नी हिल्स गए, बहुत इन्जॉय आ रहा है। कल बहुत ज़्यादा बारिश थी, लैंडस्लाइड हो रहे थे, पर हमने हिम्मत हारी नहीं, चलते गए और अपनी मंजिल पर पहुँच ही गए। और अब सुबह सुबह का ये जो नज़ारा है ये देख के दिल खुश हो गया बिल्कुल। ऐसा लगता है कि ये दुनिया में अगर कहीं स्वर्ग है ना तो वो यहीं है। वो फ्रेश हवा, शोर शराबा नहीं, बिल्कुल शांति, अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बादल बिल्कुल नीचे आ चुके हैं, और क्या कहें, बस शब्द हैं नहीं इस व्यू को बयान करने के लिए, शब्द हैं नहीं मेरे पास। मज़ा आ रहा है, मज़े लेते रहें, आप भी ठीक रहें, खुश रहें। और आरसीएम बिजनेस में जो मेरे साथी इस वीडियो को देख रहे हैं आरसीएम बिजनेस वाले, वो आरसीएम बिजनेस में लगातार बनते रहें, नए नए टारगेट्स अचीव करते रहें, और देखेंगे कभी अगर मौका मिला आरसीएम बिजनेस की वजह से तो कभी अपनी टीम के साथ आएंगे हिमाचल घूमने, और इससे भी शानदार व्यू, अच्छे अच्छे लोकेशन पर जाकर शूट करेंगे। और मेरे गुरुदेव मनीष कालरा भी मेरे साथ ही हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो एक सुंदर सा मैसेज मेरे टीम में मेरे साथियों को दें। और मनीष भाई, हाँ जी, इस हाइट पे आके बहुत जबरदस्त सर, इस हाइट पे आके जो मजा जो आ रहा है ना सर आपके साथ, बस बता नहीं सकता सर, बहुत सुंदर हवा चली। तो कुछ मैसेज दें मेरी टीम के लिए, मेरे साथियों के लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी, मैं आपके साथ हूँ बिल्कुल। वादियों की बात करते हैं तो वो तो कई बार क्या होता है, जगह सुंदर हो और अगर दो व्यक्ति साथ जा रहे हो और उनका विचार ना मिलते हो तो वो सारे वादियां भी पीछे रह जाती हैं। और अगर हम किसी नॉर्मल कंडीशन में भी हैं और हमारे साथी सब विचार अगर हमारे मिलते हैं तो फिर वो नॉर्मल जगह भी होगी ना, कोई हम प्लेन्स में भी होंगे, सोना में भी होंगे, गुड़गांव में भी होंगे, आटा में भी होंगे, बरोटा में, कहीं पर भी होंगे, तो हम लोग अगर विचार मिलते होंगे तो फिर हम लोग जो है ना सब कहीं पर भी एंजॉय कर सकते हैं। वेरी गुड, यहाँ पर तो मौसम है ही शानदार, और अगर इस हाइट पर चढ़कर मैसेज देने की बात है तो ये है कि भाई हम नीचे से हम वॉक करके पूरी इस पहाड़ी पर चढ़ के आए हैं, और पूरी पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते मैं एक ही बात सोच रहा था कि लक्ष्य कोई भी बड़ा नहीं है और कोई भी छोटा नहीं है। बिल्कुल, व्यक्ति का इरादा बड़ा या छोटा हो सकता है, अगर हम बड़े से बड़े लक्ष्य को बड़े इरादे के साथ करेंगे तो क्या होगा, फिर हम थकेंगे नहीं क्योंकि हमें हमारा टारगेट नजर आ रहा होगा। मैं भी नीचे से आ रहा था, दो तीन बार मुझे ऐसे फील हुआ, सांस चढ़ रहा था मुझे, बहुत खड़ी चढ़ाई है, तो मुझे भी एक दो बार फील हुआ कि मैं छोड़ो ना, थोड़ी देर एक बार बैठ जाता हूँ, सांस ले लेता हूँ, फिर चलता हूँ। लेकिन मैंने अपने इरादे को मजबूत रखा और मैंने ठान लिया था कि मैं बृहदेश्वर महादेव जो मंदिर है बिना रुके पहुंचूंगा, और वो इरादा मजबूत था। दो तीन बार सांस उखड़ी, ऐसा फील हुआ कि मैं बैठूं, लेकिन नहीं, इरादा मजबूत था, मैं चलता रहा तो मैं बृहदेश्वर महादेव टेम्पल इतनी ऊंची हाइट पर पहुंचाऊं। और मैं मैसेज की बात है तो मैं यही कहूंगा कि आप कोई भी क्षेत्र में आरसीएम बिजनेस कर रहे हैं, आप अपना कोई भी काम धंधा कर रहे हैं, अपनी जॉब कर रहे हैं, अपने बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स अगर हमारे पास आ रही हैं तो हमें अगर अपने इरादे को मजबूत रखा ना तो फिर कोई भी लक्ष्य छोटा नहीं है और कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है, बड़े से बड़े लक्ष्य छोटे छोटे बन जाते हैं। और अगर इरादा मजबूत नहीं है, हम कमजोर पड़ गए, तो छोटे छोटे लक्ष्य भी बहुत बड़े नजर आते हैं। और लास्ट मैसेज यही दूंगा कि गोवा की तैयारी करो भैया, हम लोग तो बहुत एक्साइटेड हैं, और हिमाचल आपका जब दिल करे आप
मुझे पहले से बता दें, मैं तो हर महीने दो महीने में रेगुलर हिमाचल आता हूँ। कभी भी आपका दिल करे तो आप मुझे एक दो महीने पहले बता देंगे तो आप मेरे साथ आ सकते हैं, खूब ऐसे वादियों में घूम सकते हैं। आपका पूरा स्वागत है हिमाचल में। हिमाचल देवभूमि है, बहुत सुंदर है, वादियां बहुत अच्छी हैं, यहाँ का नेचर बहुत अच्छा है, यहाँ का पानी आप पीते जाएंगे, जितना पानी पीते जाएंगे उतनी भूख बढ़ती जाएगी आपकी। तो हम लोग आज काफी सुंदर सुंदर लोकेशन पे जाने वाले हैं। यहाँ पर काफी सारे पानी के चश्मे हैं जो प्राकृतिक रूप से पानी निकलता है, हम लोग सब दिखाएंगे आपको आज। और मेरे चैनल ग्रेट लाइफ पे आपको पूरा व्लॉग नजर आएगा, तो मेरे चैनल ग्रेट लाइफ को भी आप देखा करें, उस चैनल को सब्सक्राइब करें, उस चैनल को शेयर करते रहें और देखते रहें हमारी ग्रेट लाइफ किस तरीके से हम आरसीएम बिजनेस में आकर के एक शानदार जिंदगी जी पा रहे हैं। जो सपने में हम सोचा करते थे ऐसी जिंदगी हम आरसीएम बिजनेस की बदौलत जी पा रहे हैं। तो आप भी आरसीएम बिजनेस में लगातार बने रहिए, लगातार प्रोडक्ट यूज करते रहिए, लगातार जो है अपने लर्निंग मोड में रहिए, अपलाइंस टच में रहिए, बुक्स टेप वीडियोस अपलाइंस की टच में रहिए, मीटिंग्स में आते रहिए और बहुत एंजॉय करने वाले हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय आरसीएम। हवा बहुत शानदार है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हम लोग अभी स्पाटू जाएंगे और उसके बाद में हम लोग गंबर पुल, जो हमारा एक मंदिर है बिल्कुल नदी के किनारे और बहुत खूबसूरत लोकेशन है, और हम लोग जाएंगे वहाँ पर, मंदिर की बहुत मान्यता है तो हम लोग वहाँ पर मंदिर विजिट करेंगे और उस लोकेशन पर जाएंगे। और लेकिन अभी हम लोग रास्ते में रुके, जैसा कि हम सुबह बात कर रहे थे कि यहाँ का पानी जो है, जहाँ पर चश्मे हैं, नेचुरल सोर्सेज हैं बहुत, तो यहाँ पर एक नेचुरल सोर्स है जहाँ पर पीने का पानी बहुत अच्छा मिलता है और ये पानी धरती में से अपने आप निकल रहा है। और भैया भर के लाएं जी? अच्छा, भर के लाएं आप? मैंने भर लिए दो तीन बोतलें। ग्रेट ग्रेट। और अब हम यही पानी पियेंगे आज? आज यही पानी पीना है, आज यही पानी पी। तो मैं ये बात कर रहा था कि जब हम ये पानी पियेंगे, जितना ज़्यादा ये पानी पियेंगे उतनी हमारे को भूख बढ़ेगी। तो ये पानी अपने आप में बहुत खास है और ये पानी कुछ इस तरीके से निकलता है, जैसे कि ये भैया भी पी रहे हैं यहाँ पे, आप देखिए ये पानी ऐसे धरती में से निकलता रहता है। और ये एक टैंक बनाया है यहाँ पे, इस टैंक में इकट्ठा होता रहता है और फिर यहाँ से लोग पानी पीने आते हैं। ये नेचुरल सोर्स है, ये झरना आ रहा है, देखिए। तो मैं भी पी लूँ पानी? बहुत मीठा पानी है, इसको आप मिनरल वाटर बोल सकते हैं, नेचुरल मिनरल वाटर। आज मौसम साफ है, बादल कहीं कहीं नजर आते हैं लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन आप पानी की आवाज को फील कर सकते हैं, यहाँ के पानी की आवाज़ को आप फील करें। पॉप सिंह जी, आप हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहते हैं? कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? बहुत जबरदस्त। कुछ कहना चाहते हैं आप? एक्सपीरियंस है, बहुत मजा आ रहा है और मैं तो सभी से कहना चाहूंगा जी, माइक ले लो ना, कम से कम बहुत मजा आ रहा है, जबरदस्त एक्सपीरियंस है। ये हरियाली, ये ग्रीनरी, ये मौसम,
देख के ना एकदम ऐसा लग रहा है। मैं तो सभी से यही कहूँगा भाई, किसी को लाइफ में चांस मिले ना कभी तो यहाँ जरूर आना है एक बार। नहीं, ये चांस मैंने सबको दे रखा है, कोई भी मुझे एक बार पहले बता दे, बिल्कुल मैं हर महीने हिमाचल। नहीं, आपकी तरफ से तो, आपकी तरफ से तो है ही है। देखो मैं एक छोटी सी चीज़ ना और फोकस कराता हूँ। अच्छा। हमारे वहाँ ना पता नहीं कैसे कैसे पेड़ होते हैं, कैसे कैसे पौधे होते हैं, और बहुत महंगे भाव में हम एक चीज़ खरीदते हैं बाजार से। सॉरी, कीचड़ में फंस गया मैं, कोई बात नहीं, मेरे को दिखा था कुछ ये रहा। और ये है अंजीर। अच्छा जी। और ये पौधे यहाँ आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे, और ये नेचुरल अंजीर है, हमने पौधे से तोड़ लिया अभी। तो ये चीज़ एक्सपीरियंस तो आपको यहीं करनी पड़ेगी आके, और ये एक्सपीरियंस आपको कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा। ये पौधे ना मैं यहाँ पर बहुत देर से नोटिस करता आ रहा हूँ मैं, ये वैसे पता है मेरे को कि अंजीर का पेड़ है, पर ये मैं बहुत देर से नोटिस करता आया हूँ। और ये यहाँ जगह 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 ऐसे खड़े, जैसे हमारे वहाँ जो जंगली पौधा नहीं हो जाता, ये यहाँ ऐसे खड़े हैं। और हमारे वहाँ देखो कितना महंगा भाव है इसका। तो यहाँ नेचुरल सोर्स है ना यहाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पानी देखो, नेचुरल पानी, ठंडा, इतना क्या पानी, फिल्टर का क्या पानी है इसके सामने, कुछ भी नहीं। मज़ा आ रहा है सर, बहुत मज़ा आ रहा है। अभी जहाँ हम लोग जाने वाले हैं वो जगह भी बहुत सुंदर है। चलो चल ही रहे हैं, चलो जी मिलते हैं गंबर पुल पे। थैंक यू। ये संभाल ही लेते। किस चीज़ का पौधा है? इमली। कहीं फिसल ही ना जाऊं मैं। पर ये देखे, ये खाने के होते हैं ना डोगरा जी? क्या नाम है इसका? कड़ी पत्ता। जानता है कड़ी पत्ता? खूब जानता हूँ। जूस पीने गिनने का के लिए है ये कड़ी पत्ते का फ्रूट है। चखो कड़ी पत्ता, चखो फ्रूट, चखो फ्रूट। हाँ है तो कड़ी पत्ता ही, ये कड़ी पत्ता ही है। ये तो कड़ी पत्ता है तो जंगली में, जंगल में कितना हो रहा है यहाँ और हरिद्वार में तो यही होता है कड़ी पत्ता का। ये चक्के देखो, कड़ी पत्ते का फ्रूट इन आरसीएम बिजनेस। अजीब सा स्वाद है, ये लो आप पकड़ो। अच्छा लग रहा है, मैंने पहली बार देखा है कड़ी पत्ता का फ्रूट है ना। मतलब इतना कड़ी पत्ता है यहाँ पे।
बायद हम लोग आ चुके हैं गंबर पुल है? और यहाँ से हम लोग जाएंगे गंबर पुल के मंदिर। महादेव यहाँ ब्रजेश्वर महादेव वही वाले हमारे वाले मसाल वाले सब जगह ब्रजेश्वर है। इस नदी में नहलवा रहे थे मेरे को आप है? हाँ। या मैं यू कितनी तेज पानी चल रहा हूँ मोसड़ जाने के चक्कर है यहाँ पर गंगा जल है गंगा जल तो कोई सो भी जल होता तो खतरनाक ही है वो है मंदिर कहाँ है तो सामने जो दिख रहा है थोड़ा कोई शॉर्ट में कोई 300-350 मीटर की दूरी ये रोड सीधा कहाँ जाता है शिमला में एयरपोर्ट है कहाँ जुब्बड़हट्टी टेम्पल है गंबर पुल बिल्कुल चारों तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर चारों तरफ पहाड़ और जंगल बीच में दो नदियाँ एक नदी इधर से आ रही है एक नदी उधर से आ रही है संगम हो रहा है और नदी आगे जा रही है बहुत खूबसूरत नज़ारा है। तो गाइस जैसे कि हम बात कर रहे थे हम लोग अभी गंबर पुल पहुंच गए हैं और यहाँ पर एक हमारे बिजेश्वर महादेव जी जो कुल देवता है यहाँ के उनका बहुत शानदार बहुत भव्य बहुत खूबसूरत बहुत डिवाइन और एक बहुत प्यारी जगह है मंदिर है यहाँ पर। और जैसा कि बताया जाता है कि यहाँ पर छोटा सा मंदिर हुआ करता था किसी ज़माने में लेकिन धीरे धीरे इनकी मान्यता इतनी बढ़ी और जैसे जैसे मान्यता बढ़ती गई तो लोगों का विश्वास जैसे जैसे बढ़ता गया लोगों ने यहाँ पर आकर के मेहनत की सबने मिल करके और एक बहुत बड़ा मंदिर बना जो सुंदर है बहुत अच्छे नज़ारे हैं यहाँ पर बैठकर बड़ा अच्छा महसूस कर पा रहा हूँ मैं। मुझे उम्मीद है कि आप भी इस वीडियो के माध्यम से देख पा रहे होंगे जैसे कि आप देख पा रहे हैं इतना सुंदर यहाँ पर पीपल का पेड़ जो लगा है पीछे इसको अगर आप देखेंगे तो आपको खुद ही एक अच्छी फील आएगी। अभी हम लोग नीचे चलते हैं नदी के पास में मैं आपको नदी भी दिखाता हूँ नीचे बहुत शानदार बहुत तेज जो एक नदी बह रही है वो नदी भी दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक नदी जो यहाँ से निकल करके पीछे से एक नदी आ रही है आप पानी की आवाज़ से फील कर सकते हैं पानी की आवाज़ कितनी तेज है। ये नदी एक पीछे जंगलों में से निकल करके आ रही है और एक नदी उस तरफ से जंगलों में से निकल के आ रही है और ये दोनों नदियाँ आपस में मिलेंगी और फिर ये आगे निकल जाती हैं। ये हमारे पोप सिंह जी भी पहुंच गए हैं वहाँ तक हम भी चलते हैं। जंपिंग करें
ये मैं आपको संगम तक लेके जाऊंगा। ये दोनों नदियों का संगम है। आपका साउंड ले ग्रेट। तो हम लोगों को यहाँ पर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ पर आकर के। बाय बाय करते हैं। पॉप सिंह जी को भी कवर करना है हमें, वो बोल रहे हैं एक मिनट। एती रोना तो पॉप सिंह जी, आपको कैसा फील हो रहा है, एक बार आप हमारे सभी व्यूअर्स को बताएं कि इस मंदिर में आकर के, एक अंबरपुल आकर के कैसा महसूस हो रहा है आपको? ये माइक लीजिए आप। थैंक यू सर। जैसा कि आपने देखा इस वीडियो में, आपसे पहले देख ही लिया होगा, ये जगह बहुत खूबसूरत है। पानी का संगम है दो तरफ पहाड़ के यहाँ से, और एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। बहुत एक्साइटेड हूँ और फुल ऑन एक्साइटमेंट के साथ इस बिज़नेस को करने का यही मज़ा है। करना है तो सीरियसली करना है, नहीं तो छोड़ दो, फिर मत करो। अरे ऐसी ऐसी लोकेशन पर जाने का चांस दे रहा है बिज़नेस, आरसीएम बिज़नेस। लोग बाग केवल कहते हैं ये तो जी मेंबर बनाने की स्कीम है। अरे भैया, ऐसे ऐसे लोगों से मिलने की चांस मिल रहा है, ऐसी ऐसी जगह जाने का चांस मिल रहा है। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि कभी जीवन में ऐसी जगह आऊँगा। ये सब पॉसिबल हो पाया है केवल और केवल आरसीएम बिजनेस की वजह से, मेरे अपलाइन भाई मनीष कालरा की वजह से। मैं इनका बड़े दिल से धन्यवाद करता हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया आरसीएम बिजनेस और भाई मनीष कालरा, थैंक यू। बस यही कहना चाहूँगा मैं तो, और मेरे को इस व्यू को एंजॉय करना है अभी ज़्यादा। थैंक यू। एक नज़ारा और आप देख सकते हैं, अगर हम आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि एक बहुत बड़ा पत्थर ऊपर से आगे गिरा पहाड़ से, और जैसे ही वो गिरा उसने अपनी जगह बना ली है, और पानी दोनों तरफ निकल रहा है वापस। एक पानी एक राइट साइड चला गया, एक लेफ्ट साइड चला गया। लेकिन इस प्रकृति की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये पानी धीरे 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 इस बड़े पत्थर को भी काटता चला जा रहा है। आप अगर ध्यान से नज़दीक से देखेंगे, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, तो आप देखेंगे कि पत्थर फिर से कटना शुरू हो गया और इस पत्थर के धीरे धीरे टुकड़े होने शुरू हो जाएंगे। इसी तरीके से यही बात बोली जाती है कि अगर निरंतरता कहीं पर रहे तो, निरंतरता अगर है तो ये पानी भी लगातार लगातार इस पहाड़ के इतने बड़े पत्थर से भी टकरा कर इस बड़े पत्थर को भी काट सकता है। इसलिए निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी का बहुत बड़ा रोल है।
ठीक है, मिलते हैं आगे। अभी हम लोग स्पाटू जाएंगे और स्पाटू में हम लोग अपने कुछ लोगों से मिलेंगे। गाइस हम लोग अभी देवठी पहुंच गए हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हम एक हिमाचल के विलेज में जाएंगे, तो हमारी एक बहन जी हैं, सीता उनका नाम है, और उनके घर जा रहे हैं हम लोग उनसे मिलने के लिए। तो आपको अभी हिमाचल के इंटीरियर विलेज के दर्शन कराएंगे हम। तो ये देवठी विलेज है, लेकिन उनको उनका जो घर है वो विलेज से थोड़ा सा हटके है, और वहाँ का जो रास्ता है वो रास्ता ही आप देखेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। तो वो रास्ता मैं आपको आज दिखाना चाहता हूँ। तो अभी हम लोग देवठी विलेज से निकल चुके हैं और यहाँ से थोड़ा सा रास्ता उनका जो है, तो रास्ता आप देखें। क्या बात कर रहे थे? सब्जी, मैंने कहा हिमाचल की कोई विशेष सब्जी आती है? कोई ब्रोकली आती है, गोभी आती है, टमाटर आता है, और बताओ जी और क्या आता है? सारी सब्जियाँ आती है, कद्दू, घिया, करेला, ये तो सब हमारे वहाँ भी आ रहे हैं। काली तोरी नहीं, हाँ एक नई सब्जी है लंपू, पर वो अभी लग रहे हैं। लंपू की सब्जी ऐसे लगती है जैसे घिया की सब्जी खाते हैं ना, बिल्कुल घिये जैसे स्वाद आता है उसका, लेकिन उसका जो लुक है वो बिल्कुल ऐसा है जैसे अमरूद, बड़े बड़े साइज का अमरूद होता है। तो गाइस हम लोग अभी यहाँ से राइट टर्न लेंगे, बिल्कुल कच्चा रास्ता है और यहाँ से राइट टर्न लिया हमने, अभी कच्चे रास्ते से हम लोग जाएंगे। आप एंजॉय कीजिए इस रास्ते को, जो हम लोग हिमाचल के बिल्कुल इंटीरियर एक विलेज में जाएंगे, जिस घर में डोगरा जी सीता जी गाँव में कितने घर होंगे जिसमें, जहाँ पे इनका घर है? 15-20 घर है, और है बिल्कुल ये जंगल से, आप देख सकते हैं जंगल में से निकल कर के ही जा रहे हैं। ये भी बता दो, क्या बता है? बनाई है उस सीता के हस्बैंड ने। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, जो हमारे गजेंद्र जी हैं, सीता जी के हस्बैंड हैं, उन्होंने ये सब, उन भाइयों ने मिलकर के इस सड़क को काटा है और ये रास्ता बनाया है, क्योंकि यहाँ पर उनका टमाटर आता है तो फिर यहाँ पर बड़ा टेम्पो आता है टमाटर लेने के लिए, अपने हाथों से यस, मशीन नहीं लगाई थी। तो आप देख सकते हैं कितना शानदार रास्ता, हर व्यक्ति यहाँ पहुंच ही नहीं सकता। ये कमाल है आरसीएम का, क्योंकि आरसीएम की वजह से ही मेरे यहाँ पर धीरे धीरे जान पहचान हुई, धीरे धीरे लोग रिलेशन बिल्ड हुए, और हम लोग जा रहे हैं उनके घर। कसौली बस में बैठ के जाते हैं उनको भी वो टैक्स देना पड़ता है? बस वाला देता होगा टैक्स, उनकी टिकट में 1-2 रुपए जोड़ देता होगा।
सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर सीता जी के घर पे, और आप लोकेशन देखें कितनी खूबसूरत लोकेशन है यहाँ पे। और जिन सीता जी का नाम बार बार ले रहा था मैं, सीता जी हमारे व्यूअर्स को कुछ कहेंगे आप? हमारे ग्रेट लाइफ के चैनल के व्यूअर्स हैं सब यहाँ पर, कुछ कह दो, नमस्ते कर दो। चलो दोबारा ग्रेट हिमांशु, ये हमारे गजेंद्र सर जी हैं हिमांशु, और हिमांशु जी को बुला रहे हैं। बहुत शानदार लोग हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे लोग हैं। और जी टमाटर वमाटर कैसा चल रहा है आपका? टमाटर बढ़िया है जी, अच्छा हो रहा है। रेट कम है क्यों अभी अपना नीचे? तो टमाटर जो है कम हो गया, अब तो नीचे का तो यहीं से जा रहा होगा। नहीं नीचे का तो कम हो गया, पर फिर नीचे से चला हुआ है ना, औरंगाबाद वगैरह चला हुआ है आपका, नीचे बेंगलोर चला हुआ है अभी, जो रुपए जो रुपए तो रहते। लेकिन नीचे जब बारिश हो जाती है ना तो टमाटर फिर कम हो जाता है वहाँ का, फिर यहीं से जाता है जो मेरी नॉलेज है। ये जो वाली बेल्ट है ना, जो नीचे क्या बोलते हैं उसको, बैंगलोर वाली बेल्ट। अच्छा ये बेल्ट है जो। गाइस हम लोग अभी जैसा कि हम बात कर रहे थे सीता जी के घर पे आए हैं, और सीता जी ने हमारे लिए हिमाचली फूड बनाया है। आप देख सकते हैं ये हिमाचली फूड आपको नजर आ रहा होगा, दाल है, राइस है, चूल्हे की रोटी है, और ये घी और शक्कर मिला करके डाला गया है। देखें जी कैसा लग रहा है सीता जी घर आके? बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, और यहाँ सभी लोग बहुत फ्रेंडली हैं यहाँ पर। हाँ। मीठे लोग, मीठी है भाषा। अच्छा चलो ग्रेट, तो हम लोग हिमाचली किचन का फूड एंजॉय करेंगे। ठीक है लगा हुआ है, हम लोग हिमाचली किचन का फूड एंजॉय करेंगे, और ये तो आप बने रहिए हमारे साथ। और अभी हम लोग अभी बस आज का हमारा इतना ही है, हम लोग अब घर जाएंगे शाम को वापस, और कल हम लोग कसौली जाने वाले हैं, तो कल कसौली दिखाऊंगा मैं आपको पूरा। ये रमनदार, ये चावल कम कर दो, मैं चावल कम कर दो, मेरे भी आधे ही कर दो। क्या ना? नहीं भी रोटी खाने का मन है, ज्यादा चावल खाने का मन नहीं है, पर ये कि आधे खा लूंगा फिर, नहीं तो बजाना अच्छा नहीं लगता, फिर जबरदस्ती खाने पड़ते हैं। ये हिमाचली दाल है जी। हाँ जी, दाल तो ये। मुझे वो हिमाचल वाले राजमा तो अच्छे लगे थे भाई। राजमा वही डाले हुए मैंने इसमें। हाँ, घर में आपके व्हाइट राजमा तो बहुत पसंद आए सबको। वही डाले थे इसमें।